चैन साहब, ये रहनुमाई फरमाइएगा कि आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, अफगानिस्तान में अब कैसी हुकूमत होगी, जैसे आपने कहा कि आप बैन अल-अक़वामी कवानीन की पाबंदी भी करेंगे, दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप वो दौर जो ऑक्यूपेशन का था, वो खारिजी कब्जे का था, जो जो वो खत्म होने वाला है, एक नया दौर होगा जो अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन है और पीस का है और अफगान आवाम की पीसफुल को एग्जिस्टेंस का है, उसमें वो हमारे साथ अफगानिस्तान की रिबिल्डिंग में वो हम कुमक करे। अच्छा सुहेल साहब, जो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान को तोहफे हैं उसमें क्रिकेट टीम भी है, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगा, आप इसमें क्या कहते हैं? नहीं जी, वो उसको मालूम नहीं कि एक क्रिकेट हमने बनाया था, जिसका आगाज किया था हमने किया था। चलिए ये तो अच्छी खबर है। हमारे हमारे वो वक्त जो हमारे उधर उस टाइम जो हुकूमत थी उस टाइम में क्रिकेट था नहीं। तो इसका मतलब है सुहेल शाहीन साहब आके लाहौर में क्रिकेट मैच खेलेंगे हमारे साथ? देखो बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो एक बार एम्बेसिडर रईब साहब के साथ क्रिकेट मैच को देखने, अभी भी मुझे याद है रावलपिंडी में जो हमारे एक टीम था पाकिस्तान टीम के साथ मैच खेल रहा था हम।